नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 News। और SPN9 News में इस वक्त खबर आ रही है पंजाब से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि हम उनका कचरा नहीं लेना चाहते। केजरीवाल ने कहा कि हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते, वरना शाम तक उनके 25 विधायक और 2-3 सांसद हमारी पार्टी में होंगे। बता दें आपको, पंजाब पहुँच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम कांग्रेस का कचरा नहीं लेना चाहते, वरना शाम तक कांग्रेस के 25 विधायक और 2-3 सांसद आम आदमी पार्टी में होंगे। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हर पार्टी में ऐसा होता है, जिसको टिकट नहीं मिलती वो नाराज हो जाते हैं, जिसको उनको मनाने की कोशिश की जाती है, कुछ लोग मान जाते हैं और कुछ लोग नाराज होकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते हैं। अगर हम उनका कचरा लेना चालू कर दें तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, आज शाम तक कांग्रेस के 25 विधायक हमारी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अगर ये कॉम्पिटिशन ही करना है कि उनके कितने और हमारे कितने, हमारे तो 2 ही गए हैं, उनके 25 विधायक और 2-3 सांसद हमारे संपर्क में हैं जो आना चाहते हैं। ये गंदी राजनीति है, हम इस पर नहीं पड़ना चाहते। दरअसल पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी कमजोर हो गई है। उसके 3 में से 2 विधायक पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। पहले भटिंडा ग्रामीण से विधायक रूबी ने पार्टी छोड़ी और फिर रायकोट से विधायक जगतार सिंह मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तारीफ करते हुए कांग्रेस में चले गए। जब ये सवाल किया गया कि क्या पंजाब में सीएम का चेहरा केजरीवाल ही होंगे, तो उन्होंने इस बात को नकार दिया। उन्होंने कहा, सबसे पहले हर पार्टी या तो सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करती है या नहीं करती है। सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद चुनाव फिर ऊपर ऊपर ही जा सकते हैं, तो फिर वो नीचे भी आ सकते हैं। जो जो पार्टी चुनाव के पहले ये रणनीति बनाती है कि हम सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, वो बिल्कुल चुनाव के करीब आने पर करती है। साथ में उन्होंने कहा, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पिछली बार चुनाव 4 फरवरी के थे, कैप्टन साहब को कांग्रेस ने 1 हफ्ता पहले सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। अभी तक कांग्रेस ने अपना सीएम कैंडिडेट नहीं बताया। वो नहीं बता रहे कि सिद्धू साहब बनेंगे कि रंधावा बनेंगे या चन्नी साहब को ही कंटिन्यू करेंगे। उधर उत्तर प्रदेश में चले जाओ, वहाँ योगी साहब के सारे डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि इस बार हम कमल पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा पता ही नहीं है। उत्तराखंड में बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा पता नहीं है। कांग्रेस का कौन होगा, हरीश रावत होंगे कि कौन होंगे, पता ही नहीं। गोवा के अंदर चुनाव हो रहे हैं, वहां के सीएम रोज दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, अभी किसी पार्टी ने सीएम डिक्लेयर नहीं किया। मैं आपको इस बात का भरोसा देता हूँ कि बाकियों से पहले हम कर देंगे। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 News। धन्यवाद।